सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मोइजिन और आज हम बात करने वाले हैं शुमा गोराथ के बारे में। अभी हाल ही में आपने बहुत सारे चैनल पे इसका नाम सुना होगा, तो आज हम इसी की ओरिजिन कवर करने वाले हैं और ये क्यों हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकता है, वो भी बात आपको इस ओरिजिन के ख़त्म होते होते समझ में आ जाएगी। ये एक्चुअल विलन हो सकता है ऐसे रूमर्स आए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए इसकी ओरिजिन लाई जाए। तो चलिए करते हैं शुमा गोराथ की ओरिजिन कवर, तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट टाइम हमें शुमा गोराथ नजर आता है मार्वल प्रीमियर के इशू नंबर 10 में, जो कि आई थी 1973 में सितंबर के महीने में। फर्स्ट टाइम शुमा गोराथ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का विरोधी बताया गया है, एक विलन बताया गया है, उसी तौर पे हमारे सामने आया। इसका नाम था रॉबर्ट ई हार्डवर्ड, जो कि एक छोटी सी कहानी लिखता था द कर्स ऑफ गोल्डन स्कल नाम से, जो कि लिखा गया था जिसमें रोथ नाम का एक जादूगर मरते हुए एक्चुअल में एक श्राप दे देता है शुमा गोराथ के पुस्तक को, और जिसको पढ़ने के बाद उसको आगे दिखाया गया है, यानी शुमा गोराथ आता है और वो एक्चुअल में पूरा का पूरा श्रापित है, कर्स से पूरा लेस है, इस वजह से वो आता है और इस अर्थ को तबाह करने में लग जाता है। शुमा गोराथ एक्चुअल में हिस्ट्री से ही हमारे पूरे दुनिया पे राज करते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वो डिमांड करता है हर बार ह्यूमन सैक्रिफाइस की, यानी अर्थ के पीछे ये हमेशा ही लगा पड़ा रहता है। जहाँ पर टाइम ट्रैवल का सॉसरस आता है, एक जादूगर जो कि है सेसिनेग, जो उसको हराने में कामयाब भी रहता है उस टाइम पीरियड में। फिर आगे जाके जब हाइबरियन एज आता है, तब भी वो सेम चीज़ करता है कि भाई आता है और फिर से रूल करने में लग जाता है। जहाँ पर वो उसके होम डायमेंशन में जब तक वापस नहीं जाता क्रोम नाम का, तब तक वो यहाँ पे रूल करता है और उसकी पावर्स और इन्फ्लुएंस इस अर्थ पे तब तक रहता है जब तक वो खुद के दुनिया में वापस नहीं चला जाता। फिर उसके बाद उसने फिर से एक तरकीब अपनाई कि वो एंशियंट वन की मदद से इस अर्थ पे फिर से रूल करने के लिए आ गया, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको फोर्सली मारने में कामयाब रहा, पर वहाँ पे ज़्यादातर कामयाब नहीं रह पाया और वो फिर से इस डायमेंशन में फिर से आ गया, जो कि अर्थ की डायमेंशन थी, जहाँ पे शुमा गोराथ इस पूरे डायमेंशन पे रूल करना चालू कर देता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सुसाइड कमिट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक्चुअल में एक आयाम में अटक जाता है, यानी उसी के अंदर वो फंस जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुसाइड करने के बाद उसका एक दोस्त है जो उसको फिर से जिंदा कर देता है, इसी वजह से फिर शुमा गोराथ है ये एक्चुअल में एक जगह पे फंसा हुआ है, जहाँ से उसको बाहर निकाल के उसके डायमेंशन में फिर से वापस भेजने के लिए निकोलस क्रेचेस को फिर से बुलाया गया है, ताकि वो इसको रोक सके अर्थ पे जाने से, अर्थ पे तबाही मचाने से। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारे लोगों को इकट्ठा किया, यानी निकोलस क्रेचेस भी थे, डॉक्टर स्ट्रेंज भी था, फैंटेस्टिक फोर भी थे, सेलेमन सेवन भी थे और साथ ही साथ विलन भी था अपना डायब्लो। ये लोगों का पूरा मिला जुला के एक एफर्ट लगा शुमा गोराथ को वापस उसके डायमेंशन में भेजने के लिए, जहाँ पर वो मल्टीपल यूनिवर्स में राज करता है, जहाँ पे भी अर्थ दिखती है वहाँ पे वो कहीं पे भी नहीं छोड़ता है भाई, तबाही करते ही जाता है। तो इसका नाम भी पड़ गया मल्टी एंगल्ड वंस करके, क्योंकि ये आए दिन किसी भी मल्टीवर्स में घुस जाता और उस डायमेंशन में रूल करना चालू कर देता था, इसी वजह से उसका ये नाम भी पड़ चुका है। फिर इसको कैंसर वर्स के डायमेंशन में मारने की कोशिश की, जो कि खुद डेथ ने, यानी डेथ कैरेक्टर ने उसको मारने की कोशिश की, पर जहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया फिर भी ये शुमा गोराथ जिंदा ही बच गया। फिर आगे जाके और बाकी सारे डायमेंशन में ये रूल करने लगा, जाने लगा, अर्थ पे भी आने लगा। जब वो न्यूयॉर्क सिटी पे आया फर्स्ट टाइम, तो तब उसका सामना हुआ अपने सुपर हीरो टीम एवेंजर्स से, जो कि स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की मदद से उसको यहाँ से भगाने में कामयाब भी हुई। फिर हम 2013 की इन्फिनिटी स्टोरी लाइन में देखते हैं, जहाँ पर थैनोस अपने नौकर को कहता है, ऑर्डर देता है एक्चुअल में, कि भाई शुमा गोराथ को वापस जिंदा किया जाए डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से इस न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पर ब्लू मार्वल्स और बाकी सारे एवेंजर्स की टीम मिलके, वाइट टाइगर भी है इनके साथ, जहाँ पर इसको हराने की वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जहाँ पर लास्ट टाइम जब इसको हराने हुए देखने को मिला था, वो एक्चुअल में मोनिका रैम्बियो थी, जी हाँ दोस्तों, जो कि उसके आई के अंदर घुस गई थी और उसको इधर उधर से मार के बिल्कुल ही बेहोश कर दिया था, जिस वजह से वो फिर से अपने डायमेंशन में चला गया था।
फिर हम 2013 की इन्फिनिटी स्टोरी में देखते हैं जहां पर थैनोस ने अपने नौकर एबोमी माओ को डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से न्यूयॉर्क के सड़कों पर शुमा गोरेथ को बुलाने की साजिश रची, जिस साजिश के दौरान वो एक्चुअल में एक एवेंजर्स टीम के सामने आ गया जहां पे ब्लू मार्वल के जो वॉर थी उस टाइम पे शुमा गोरेथ ऊपर आया और उसने एक छोटे से जीव से चालू किया, यानी छोटे सूक्ष्म जीव से उसने एक अपना शरीर बनाया, पूरी बॉडी बनाई जो कि एक्चुअल देखने को मिलता है हमें ऑक्टोपस की मदद से। तो वो ऑक्टोपस जैसा बना और बनते बनते बहुत बड़ा बन गया और खुद को यहाँ पे ढालने लगा और उसको पावर मैन और वाइट टाइगर से भी उसकी मुलाकात हुई जहाँ पर वो कमज़ोर होता गया क्योंकि इन दोनों ने भी उसको कमज़ोर किया। और फिर आगे जाके जब मोनिका रैम्बो उसके सामने आई, ये पूरा बड़ा युद्ध हुआ, तब उसने क्या किया, मोनिका रैम्बो ने सीधा उसके आँख में घुस गई और घुसते ही अपने जो पावर ब्लास्ट थी, वो जो किरणें थी, उससे उसको मारने की कोशिश की जहाँ पर उसके अंदर जाके उसको एकदम से ही तोड़फाड़ चीर रख दिया। और फिर एक वॉर में हम देख सकते हैं कि भाई वो डोरमामू से भी लड़ चुका है अपना शुमा गोरेथ, जहाँ पर डोरमामू को उसने मार डाला था। जी हाँ दोस्तों, शुमा गोरेथ ने ही डोरमामू का खात्मा कर दिया था क्योंकि बदले की आग थी, क्योंकि डोरमामू भी इसको मारना चाह रहा था और ये भी उसको मारना चाह रहा था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से ये दोनों मिले और ये भिड़े और भिड़ने के बाद शुमा गोरेथ वहाँ पे जीत गया और डोरमामू वहाँ पे मर चुका था। तो दोस्तों इस टाइप में हमें देखने को मिलेगा अपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में, ऐसा हो सकता है या फिर ये भी चीज़ हम देख सकते हैं कि भाई वो आएगा और अपना डॉक्टर स्ट्रेंज और ये बाकी सारी टीम मिलके, वांडा भी है, अपना लोकी भी है, तो ये सारी जादूगरों की टीम मिलके उसको यहाँ से भगाने में, उसके डायमेंशन में भगाने में कामयाब भी हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। बट इतना तो तय है दोस्तों कि वो जो वांडा किताब पढ़ रही है उसमें और कोई ना होके अपना जो ये है शुमा गोरेथ वो भी हो सकता है, जो कि वांडा को पजेस कर लेगा अपनी शक्तियों के साथ और फिर वांडा उसको बुला लेगी, इस डायमेंशन में लेके आ जाएगी और मल्टीवर्स भी खुल जाएगा इससे, और साथ ही साथ वो अर्थ पे रूल करना भी चालू कर देगा। तो फिर उनको रोकने के लिए अपना डॉक्टर स्ट्रेंज टीम बनाएगा, वांडा को फिर से अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में जगा देगा कि भाई तू ये क्या कर रही है। तो ये सीधे वे में हमें ऐसा ही पता चल रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे जब इसका ट्रेलर आएगा तो बहुत सारी जानकारी हमारे सामने आएगी, बहुत सारे लीक्स तो आते ही रहते हैं क्योंकि चलते रहता है इधर उधर की चीज़ें, तो उस पर ध्यान ना देते हुए जब ट्रेलर आएगा, जब कुछ चीज़ें हमारे सामने एक्चुअल में देखने को मिलेगी, तब हम इस चीज़ पे बात करेंगे। शायद से ज़्यादा टॉयलेट्स में भी हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों बस यही है शुमा गोरेथ का पूरा ओरिजिन, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये एक्चुअल में ओमेगा लेवल पावर्ड वाला पूरा का पूरा अपना शुमा गोरेथ है। और अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो इसके पास जादुई पावर्स है, ये टेलीपोर्ट हो सकता है, किसी भी शेप में भी बदल सकता है, ऐसा भी बहुत टाइम पर बताया गया है। और वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, यानी बहुत पुराने दिनों से ये एग्जिस्ट करता है इस पूरे मल्टीवर्स में, इस मार्वल की दुनिया में, जहाँ पर स्टैनिश और मेफिस्टो के साथ मिलके उसने एक्चुअल में पूरी की पूरी जो गैलेक्सी थी वो भी ख़त्म करने में वो कामयाब रहा था। इस तरह से इसके पावर्स और एबिलिटीज़ भी है दोस्तों। तो बस दोस्तों यही है पूरा का पूरा शुमा गोरेथ की ओरिजिन, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपकी कुछ थेरीज हो तो नीचे लिख सकते हो, क्या लगता है आपको कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैसा लगेगा वो भी लिख सकते हो। लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हो मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।